गर्मियों के मौसम में इस बार हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आगजनी की घटनाएं काफी कम हुई हैं। जिला बिलासपुर की बात करें तो जिला बिलासपुर के भराड़ी घुमार में स्वार घाट तथा सदर में आगजनी के एक या दो मामले हर सर्कल में दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि जहां पर पिछले वर्ष में 66 केस आगजनी के आए थे, वहीं इस बार अभी तक मात्र 15 केस आगजनी के सामने आए हैं। हालांकि आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल किया गया है। इस बार महामारी के इस दौर में लेबर कम होने के कारण झाड़ियों को काटने के लिए जहां पर हेज कटर का प्रयोग किया गया, वहीं पर पत्तियों को हटाने के लिए ब्लोअर का भी प्रयोग किया गया है। जिला बिलासपुर के DFO सरोज भाई पटेल ने बताया कि इस बार गर्मियों का सीजन वनों में आगजनी घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि पिछले वर्ष जहां पर 314 हेक्टेयर भूमि पर आगजनी की घटनाएं हुई थी, वहीं पर इस बार मात्र 17 हेक्टेयर भूमि आगजनी की चपेट में आई है। उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी बड़ी आगजनी की घटना देखने को नहीं मिली। DFO सरोज भाई पटेल ने बताया कि विभाग का यही प्रयास रहता है कि आग लगे ही ना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फायर लाइन जो जंगलों में होती है, गर्मियों से पहले पहले सर्दियों में फायर लाइन को मेंटेन करके रखना जरूरी होता है, और सूखी पत्तियां, झाड़ियां और ज्वलनशील पदार्थ उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को, स्थानीय लोगों को भी जागरूक करने के लिए विभाग ने काफी प्रयास किया है, और इन सभी का नतीजा है कि इस वर्ष आगजनी घटनाओं में काफी कमी आई है। और उन्होंने कहा कि वे आशा करते हैं कि जंगलों की रक्षा हो, जीव जंतुओं दोनों की रक्षा हो, यही प्रयास जनता भी करेगी और विभाग भी जारी रखेगा। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार जो है आग जलने वाली जो घटनाएं हैं, घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। अगर पिछले साल की अगर हम बात करें तो टोटल 66 केसेस हुए थे हमारे, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में इस साल देखें तो अभी तक हमारे पास जो आग जलने की जो घटनाएं हैं वो 15 अभी तक 15 केसेस आए हैं हमारे पास। एरिया भी जो है 77 हेक्टेयर जला है इस बार, जो कि काफ़ी कम है पिछले बार के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो पिछले बार 314 हेक्टेयर जला था, और इस बार जो खास करके जो एक तो घटनाएं भी कम हुई है और जो आग भी लगे हैं उससे जो एरिया जला है वो बहुत छोटा छोटा है, जैसे 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, कोई बहुत बड़ा घटना नहीं हुआ। तो इस वजह से भी इस साल जो है काफ़ी सुखद रहा है हमारे लिए। प्रयासों के जहाँ तक प्रयास का मामला है तो हम निरंतर जो है डिपार्टमेंट जो है हमारा प्रयासरत रहता है, और हर साल की भांति इस बार भी हमने प्रयास किया, और हर साल हम कुछ ना कुछ इसमें नया करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि जो है पिछले साल से जो घटनाएं होती हैं उससे हम कुछ सीख कर हम आगे उसमें सुधार करने की जो आवश्यकता होती है उस पर हम बल देते हैं। जहाँ तक आग को कंट्रोल करने की है, फॉरेस्ट फायर के इश्यूज़ है, तो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हम आग लगने के बाद जो बचाना है वो फायर फाइटिंग वाला इशू रहता है। तो उसको आग लगे ही नहीं, इसके लिए हम सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान रहता है वो उन चीज़ों पे रहता है। तो इस दिशा में इस बार हमने काफ़ी एरिया में कंट्रोल बर्निंग किया था। हमारे जितने भी फायर लाइन होते हैं, जो कि बड़े बड़े जंगलों में हमारे फायर लाइन होते हैं, जिसको कि हम आग जो गर्मी के समय आते हैं उससे पहले, यानी कि जब हमारा सर्दियों का मौसम होता है उस दौरान हम उस फायर लाइन को मेंटेन करते हैं। तो फायर लाइन मेंटेन करने का काम, और जो हमारे पास जंगलों में जो सूखी पत्तियां और झाड़ियां वगैरह जो होती हैं, जिनके जो जलनशील पदार्थ हैं उनको भी हम कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं। तो ये दो एक्टिविटी इस बार हमने बड़े महत्वपूर्ण, मतलब उसमें हमारे को बजट आया था और हमने उस पर काफ़ी ध्यानपूर्वक उस पर काम किया, जिसका कि इम्पैक्ट आपको आज इस देखने को मिल रहा है कि हाँ इस बार जो हमारे आग जलने की घटनाएँ कम हुई हैं। इसके साथ साथ इन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, इसको हम प्रिकॉशनरी मेजर कहते हैं, इसमें हम इस बार मॉडर्नाइजेशन करने की भी हमने कोशिश की, क्योंकि जो झाड़ी कटान होता है या साफ़ सफाई, इसमें काफ़ी मैन लेबर इंटेंसिव वर्क होता है इसको, तो आजकल लेबर अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो लेबर अवेलेबिलिटी कम हो गई तो उस दिशा में हमने थोड़ा मैकेनाइज करने की भी इसको कोशिश किया है। तो उसके लिए हमने इस बार झाड़ी काटने के लिए हमारे पास हेज कटर इक्विपमेंट आता है, तो उसको हमने परचेज़ किया है, प्लस जहां पत्तियां गिर जाती हैं उसको हटाने के लिए ब्लोअर भी हमने ख़रीदा है। तो इस तरह के हमने कुछ नए कदम भी इस बार हमने इस्तेमाल किए हैं, नए कदम उठाया है।
जो है हम साथ साथ डिपार्टमेंट में मॉडर्नाइजेशन भी एक तरफ रखें, ताकि हमारा जो है आने वाले वर्षों में जो ये मैन पावर की जो लेबर की जो दिक्कतें हैं उसको हम ओवरकम कर सकें। के दौरान एक अहम मुद्दा ये भी होता है लोगों के साथ लोगों को जागरूक करना, तो उस बार भी हालांकि कोविड के बाद हम ये मीटिंग वीटिंग बंद हो गया, पर कोविड